फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ओपी रहलन की एज ए डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर उनकी सभी मूवीज की डिटेल आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। साल 1951 में आई मूवी अफसाना, इस मूवी के डायरेक्टर थे बी.आर. चोपड़ा। इस मूवी में एज ए एक्टर ओपी रहलन ने काम किया था। इनके अलावा अशोक कुमार, वीना कुमारी, जीवन और प्राण शामिल थे। ये एक फैमिली ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में सेमी हिट रही। साल 1958 में एज ए डायरेक्टर इनकी अगली मूवी आई मुजरिम। इस मूवी के लीड कास्ट में शम्मी कपूर, रागनी, शोभा खोटे, गीता बाली, जानी वाकर और कमल कपूर शामिल थे। ये एक थ्रिलर ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में बिलो एवरेज रही। साल 1961 में आई मूवी प्यार का सागर, इस मूवी के डायरेक्टर थे देवेंद्र गोयल और इस मूवी में एज ए एक्टर ओपी रहलन ने काम किया था। इनके अलावा राजेंद्र कुमार, मीना कुमारी, मदन पुरी और जगदीश राज शामिल थे। ये एक फैमिली म्यूजिकल ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में अबव एवरेज रही। साल 1963 में एज ए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इनकी अगली मूवी आई गहरा दाग। इस मूवी के लीड कास्ट में राजेंद्र कुमार, माला सिन्हा, मुमताज, ललिता पवार और मदन पुरी शामिल थे। ये एक रोमांटिक क्राइम ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में सेमी हिट रही। साल 1963 में ही आई मूवी हमराही, इस मूवी के डायरेक्टर थे टी प्रकाश राव। इस मूवी में ओपी रहलन ने एज ए एक्टर काम किया था। इनके अलावा इस मूवी में राजेंद्र कुमार, जमुना, ललिता पवार, शशिकला, राजेंद्र नाथ और महमूद शामिल थे। ये एक फैमिली ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 1964 में आई मूवी चा चा चा, इस मूवी के डायरेक्टर थे चंद्रशेखर वैद। इस मूवी में ओपी रहलन ने एज ए एक्टर काम किया था। इनके अलावा लीला मिश्रा, अरुणा ईरानी, ओम प्रकाश, मदन पुरी और हेलन शामिल थे। ये एक म्यूजिकल रोमांटिक मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। साल 1966 में एज ए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इनकी अगली मूवी आई फूल और पत्थर। इस मूवी के लीड कास्ट में धर्मेंद्र, मीना कुमारी, शशिकला, इफ्तिखार और मदन पुरी शामिल थे। ये एक एक्शन रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में ब्लॉकबस्टर रही। साल 1967 में आई मूवी औरत, इस मूवी के डायरेक्टर थे एस.एस. वासन। इस मूवी में ओपी रहलन ने एज ए एक्टर काम किया था। इनके अलावा राजेश खन्ना, फिरोज खान, पद्मनी, नाजिमा, ललिता पवार और प्राण शामिल थे। ये एक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1969 में एज ए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इनकी मूवी आई तलाश। इस मूवी के लीड कास्ट में राजेंद्र कुमार, शर्मिला टैगोर, बलराज साहनी, हेलन, जीवन, मदन पुरी और खुद ओपी रहलन ने भी काम किया था। ये एक रोमांटिक थ्रिलर मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 1971 में एज ए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इनकी मूवी आई हलचल। इस मूवी के लीड कास्ट में चंद्रशेखर वैद, जीनत अमान, अमरीश पुरी, प्रेम चोपड़ा, मदन पुरी और खुद ओपी रहलन ने भी काम किया था। ये एक एडवेंचर क्राइम कॉमेडी मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1973 में आई मूवी बंधे हाथ, इस मूवी के डायरेक्टर थे ओपी गोयल और इस मूवी के प्रोड्यूसर थे ओपी रहलन। इस मूवी के लीड कास्ट में अमिताभ बच्चन, मुमताज, मदन पुरी, रंजीत और खुद ओपी रहलन ने भी काम किया था। ये एक एक्शन ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1977 में एज ए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इनकी मूवी आई पापी। इस मूवी के लीड कास्ट में सुनील दत्त, संजीव कुमार, जीनत अमान, रीना राय, पद्मा खन्ना, जगदीश राज और मदन पुरी शामिल थे। ये एक एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 1978 में आई मूवी शालीमार, इस मूवी के डायरेक्टर थे कृष्णा शाह
और इस मूवी में ओपी रेहलन ने एज ए एक्टर काम किया था। इनके अलावा धर्मेंद्र, जीनत अमान, शम्मी कपूर, श्रीराम लागू, प्रेम नाथ और एमबी शेट्टी शामिल थे। ये एक एक्शन एडवेंचर क्राइम मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1982 में एज ए डायरेक्टर इनकी मूवी आई प्यास। इस मूवी के लीड कास्ट में जीनत अमान, कामनी कौशल, तनुजा, धीरज कुमार, मदन पुरी और खुद ओपी रेहलन ने भी काम किया था। ये एक ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। फ्रेंड्स, इस तरह मैंने आपको ओपी रेहलन की एज ए डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर उनकी सभी मूवीज के बारे में बता दिया। ओपी रेहलन की कौन सी मूवी आपकी फेवरेट मूवी है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।